हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दफा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुखातिब हुए, बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ऐ लोगों, जो हमारे अहले बैत से बुग्ध रखता है अल्लाह ताला उसे रोज़े क़यामत यहूदियों के साथ उठाएगा। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जे रोज़ा व नमाज का पाबंद ही क्यों ना हो और अपने आप को मुसलमान गुमान ही क्यों ना करता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, अगर जे रोज़ा व नमाज का पाबंद ही क्यों ना हो और खुद को मुसलमान तसव्वुर करता हो, ऐ लोगों, ये लिबादा ओढ़कर उसने अपने खून को मबाह होने से बचाया, ये क्यों अपने हाथ से जजिया दे तो घटिया और कमीने हूँ, बस मेरी उम्मत मुझे मेरी माँ के पेट में दिखाई दी, बस मेरे पास से झंडू वाले गुजरे तो मैंने अली और उसके मददगारों के लिए मगफरत तलब की। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दफा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमसे मुखातिब हुए, बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ऐ लोगों, जो हमारे अहले बैत से दुख रखता है अल्लाह ताला उसे रोज़े क़यामत यहूदियों के साथ उठाएगा। इब्रानी शरीफ की ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे अहले बैत से दुख रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसे रोज़े क़यामत यहूदियों के साथ उठाएगा। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर जब वो कौम या वो बंदा नमाज रोज़े का पाबंद ही क्यों ना हो और अपने आप को मुसलमान गुमान करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया, हाँ, अगर जब रोज़ा और नमाज का पाबंद ही क्यों ना हो और खुद को मुसलमान तसव्वुर करता हो, फिर भी वो यहूदियों में शुमार होगा अगर मैं अहले बैत से बुग्ध रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बस मेरी उम्मत मुझे मेरी माँ के पेट में दिखाई दे, बस मेरे पास से झंडू वाले गुजरे जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, तो मैंने अली और उसके मददगारों के लिए मगफरत तलब की। हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने मुआविया बिन खतीब फरमाया कि ऐ मुआविया बिन खतीब, हम अहले बैत के बोझ से बचो, क्योंकि बेशक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अहले बैत से कोई बोझ नहीं रखता और कोई हसद नहीं करता, मगर यह कि क़यामत के दिन उसे आग के चाकू से और कोसर से गिरफ्तार किया जाएगा। हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, इब्रानी शरीफ की हदीस है, उन्होंने मुआविया बिन खतीब से फरमाया कि ऐ मुआविया बिन खतीब, हम अहले बैत से बोझ रखने से बचो, नबी के जो घर वाले हैं उनसे बोझ रखने से बचो, क्योंकि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हम अहले बैत से जो बोझ रखता है, हम अहले बैत से कोई बोझ नहीं रखता और कोई हसद नहीं करता, मगर यह कि वो क़यामत के दिन उसे आग के जब उसे हौज को सत्य धक्कार दिया जाए, यानी कि जो दुनिया में अहले बैत से बोझ रखता है कल क़यामत के दिन जब वो हौज को सत कर आएगा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से जब उसे हौज को सत्य धक्कार दिया जाए अल्लाह तबारक तआला अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत से दोस्त बनते हैं। اللهم ربنا توبة قبل الموت راحة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت صلى الله تعالى على خير خلق محمد ما عليه وصحبه اجمعين